वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सन 2009 में दर्ज अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में वह स्पष्टीकरण माफीनामे को मंजूर करे या अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही आगे बढ़े। प्रशांत भूषण ने 16 चीफ जस्टिसों को भ्रष्ट बताने पर अपनी स्पष्टीकरण दिया है, जबकि तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने माफ़ी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के लिए वकील राजीव धवन, तरुण तेजपाल के लिए कपिल सिब्बल और एमिक्स क्यूरी हरीश सालवे के करीब एक घंटे तक अकेले में बहस सुनकर सुनवाई पूरी की। इस दौरान शुरुआत में जस्टिस अरुण मिश्रा ने राजीव धवन से पूछा था कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर अवमानना, हम इस प्रणाली के ग्रेस को कैसे बचा सकते हैं। मैं आपसे एक एमिकस के रूप में जानना चाहता हूं ताकि हम इस संघर्ष से बच सकें।